हम यकीनी बना रहे हैं सेहतमंद पाकिस्तान और बदल रहे हैं जिंदगियां। बेहतरीन सेहत की सहूलियात की फराहमी से आप भी बीमारों के लिए मसीहा बन सकते हैं। अपने सदकात और अतियात MTJ फाउंडेशन तक पहुंचाएं। आज एक जहन बना हुआ है कि जितना हमारे पास पैसा होगा, दौलत होगी, उतना हम खुशी की ज़िंदगी गुजारेंगे। एक जहन ये बना हुआ है कि हर आदमी आज़ाद है, जो मर्ज़ी करे। इसके मुकाबले में अल्लाह ये जहन बनाता है कि खुशियाँ पैसे से नहीं आती। अदहक व अबका, अल्लाह जिसे चाहता है उसे खुशी देता है, अल्लाह जिसे चाहता है उसे दुख देता है, गम देता है। दूसरी बात के बारे में अल्लाह ताला फरमाता है, अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा, तुम क्या समझते हो कि तुम ऐसे ही बेकार हो, आज़ाद हो, जो मर्ज़ी करो। हाँ, यहाँ कोई कुछ नहीं कहेगा, ऐसे थोड़े थोड़े ठोकरें आएंगी, क्या ख्याल है तुम्हें, कोई नहीं पूछेगा, ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा। तो इन दोनों जहनों की नफी कुरान करता है कि हम आज़ाद हैं, जो मर्ज़ी करें। अच्छा भाई, हम दुनिया में आए अपनी मर्जी से आए, आज़ादी कहाँ है? अब हम मरना नहीं चाहते, कोई मौत से बच के दिखाए। अइनमा तकूनु युद्रिककुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूज मुशय्यदा, जाओ जाओ भागो, सारी दुनिया को पहरेदार बना दो और मौत से बच के दिखा दो। हज़रत अली का फरमान है, अल मौत लैस मिनहुल फौत, आज तक कोई मौत से बचा हो तो मुझे दिखा दो। इसका मुकाबला करोगे तो गिरना तुम्हारा ही मुकद्दर है, इससे भागोगे तो पकड़े जाना तुम्हारा ही मुकद्दर है। तो आज़ाद गाएं, हम बुढ़ापा चाहते हैं, बूढ़े हो जाएं, दांत टूट जाए, आंखों पे, जिनके आंखों पे अभी ऐनक लगी हुई है ये चाहते हैं कि उनको ऐनक लगे, जिन जो गंजे हो गए वो चाहते हैं कि वो गंजे हो जाते, जो बुढ़ापा आया है तो वो चाहते हैं कि हम बूढ़े हो जाते। अब आप देखो तो सही कि हम किस तरह जकड़े हुए। ये जहान आज़ादी के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया। जो यहाँ इस जहन से चलेगा हमेशा दुखी रहेगा और औरों को भी बर्बाद करेगा। ये दो बड़े गलत जहन है, पैसे से सब कुछ होता है, पैसा बनाओ, पौंड बनाओ, माल बनाओ, और हम आज़ाद हैं, जो मर्जी करे, मुझे कौन है पूछने वाला, यहाँ तो कोई नहीं पूछने वाला। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम आज़ाद हो, तुम्हें कोई अगर पूछ नहीं रहा तो इसका मतलब ये नहीं तुम आज़ाद हो। तुम पर एक आँख लगी हुई है जो नींद से पाक है, ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, एक अल्लाह है जो नींद से पाक है, जो ऊँग से पाक है। وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، तुम्हारे दोनों कंधों पर फरिश्ते बैठे हुए हैं, जो कुछ कर रहे हो लिखा जा रहा है, लिखा जा रहा है, लिखा जा रहा है। बला وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ، तुम जो कुछ तुम करते हो फरिश्ते के कलम में आ रहा है, आ रहा, आ रहा है। मा यल्फ़ज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, ये मैं बोल रहा हूँ, इसका हर बोल फौरन जा रहा है मेरे अल्लाह के निज़ाम में, कंप्यूटर में जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। यहाँ से गाली दूँ इधर से सिस्टम चलेगा, उल्टे हाथ में कंप्यूटर है वो लिखेगा, यहाँ से दुआ दूँ राइट हाथ में कंप्यूटर, फरिश्ता किसी को नहीं समझ में आया तो कंप्यूटर तो सबको समझ में आएगा। वही फरिश्ता क्या होता है, यूँ समझो एक जीता जागता कंप्यूटर है मेरे अल्लाह का। तुम यूं भी देखोगे तो वो लिखेगा, यूं देखोगे तो लिखेगा, तुम्हारी नज़र क्यों उठी वो ये भी जानता है। आज़ादी कहाँ है? बूढ़ा बाप बैठा हुआ है, जवान औलाद मर रही है, आज़ाद है? आज शादी हुई है, कल मौत आ गई, आज़ादी? दुनिया की हर शय मौजूद है, खुशी कोई नहीं, तो लाओ खुशी लाओ। हर नेमत मौजूद है, खुशी कोई नहीं। बीमारी से लड़ सकते हैं, सर दर्द अपनी मर्जी से होता है, कोई चाहता है मैं मुस्तकिल सर दर्द का मरीज, अभी भी उसके साथ बोल रहा हूं, मैं चाहता हूं मुझे सर दर्द रहे हर वक्त, कौन ये कर रहा है? तो कौन ये कहता मैं आजाद?
तुम हंसना चाहते हो, तुम्हारे आंसू निकल रहे हैं। तुम रोना चाहते हो, तुम्हारी आंख साथ नहीं देती। तुम अपनी जिंदगी को बचाने के लिए प्रोटेक्टर लगाते हो और तुम्हें ऊं उठा के जाके मिट्टी में डाल देते। तो इन दो गलत जहन से आज पूरी दुनिया में फसाद है। माल बनाओ, पैसा बनाओ, जैसे मर्जी आए, झूठ बोल के आए, धोखा दे के आए, फ्रॉड के साथ आए, ड्रग्स बेच कर आए, माल बनाओ। एक आदमी ने हीरोइन बेची, कितने घर उजाड़ दिए, ये कभी खुश रह सकता है? एक ने कोकीन बेची, कितने नौजवान उजड़ गए, ये कभी खुश रह सकता है? चर्स बेच दी, अफीम, हमारे पाकिस्तान चर्फ, अफीम, जितनी नस्लें बर्बाद हो रही, इसके पीछे ये जेन है, पैसा आना चाहिए, पैसा। पैसा कमाने के लिए हर कानून तोड़ दो, क्योंकि पैसे से काम बनता है। पैसा आ गया, अब मेरी मर्जी, में जो मर्जी करो, मुझे कौन रोकने वाला है? हाँ, कोई नहीं रोकेगा। फिर तुम मौत को भी रोक के दिखाओ, फिर तुम कब्र में जाने को रोक के दिखाओ, बुढ़ापे को रोक के दिखाओ, दांत हिलने शुरू हो गए, इन्हें रोक के दिखाओ, नजर कमजोर हो रही, इसे रोक के दिखाओ, सुनना कमजोर हो रहा है, रोक के दिखाओ, भूख लगनी बंद हो गई, रोक के दिखाओ, हाथ में स्टिक आ गई, इसे रोक के दिखाओ, व्हीलचेयर पे आ गए, इसे रोक के दिखाओ, मौत ने झटका दिया, इसे रोक के दिखाओ, जिनके लिए कमाया था उन्होंने जाके कभी कब्र पे जाके देखा भी नहीं कि कौन है और कहां है, रोक के दिखाओ। आजादी कैसी? यहां तो आना ही कैद है। मैंने कब चाहा था मैं आऊं, और अब मैं कब चाहता हूं मैं मर जाऊं, पीछे लगी हुई हर सांस, इस एक सांस ने मुझे मौत के और करीब कर दिया। दिन और रात तो लंबा पीरियड है, इस एक सांस ने भी मेरी जिंदगी मुझसे छीन ली है। हर वक्त मेरी जिंदगी मुझसे छीन रही है, छीन रही है। मेरा वक्त मेरे हाथों से जा रहा है, 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 और हर वक्त टाइम का खतरनाक सफर मुझे तेजी से, अफला तरौन इललैल वन्नहार يبليان كل جديد ويقربان كل بعيد وياتيان بكل موعود। कब मेरे नबी ने फरमाया था, जब टाइम टाइम थ्योरी को जानता ही नहीं था, उस वक्त मेरा नबी आज की बात कर रहा है। ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى, के मेरे हबीब की जबान नहीं बोलती, मेरे हबीब की जबान पे अल्लाह बोलता है। अल्लाह बोलता है, वक्त का बनाने वाला, कायनात का बनाने वाला, वो बोल रहा है। देखने में एक जबान हरकत कर रही है, और खबर है कुरान की, ऊपर से निजाम चल रहा है। तो इस जहन ने भाइयों जिंदगियां तबाह कर दी। झूठ बोलो, पैसा बचेगा, बचाओ। सच बोलने से पैसा बच रहा, सच इसलिए नहीं बोल रहे कि सच बोलना इज्जत है, नहीं, इससे पैसा बच रहा है। जब झूठ बोलने का मौका है, झूठ बोलो, जब धोखा देने का मौका है, धोखा दो। अब इससे पैसा थोड़ा हो रहा है, शराब बेचो। कितने मुसलमान है शराब की दुकानें खोल के बैठे हुए, कैसे उनकी नस्लें सुख पाएंगी? रोटी के नवाले में कोई छोटा सा रोड़ा आ जाए आटे में, वो डालो तो वो खाया नहीं जाता, तुम थूक देते हो, तो ये कांटों भरी प्लेट कैसे अंदर जाएगी? इसे एक दिन अपना जहर दिखाना है, वो आज नहीं, आंखें बंद होने का इंतजार करो। सिर्फ यही जहान नहीं जो नजर आ रहा है, ये तो बनाने वाला कहता है, वमल हयात दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये तो धोखा है, लाइबुन व लहव, खेल तमाशा, वजीनतुन व तफाखरुन बैनकुम व तकाथरुन फिल अमवाल वल औलाद, माल की हवस, इज्जत की दौड़, पैसे की दौड़, खेल तमाशा। बनाने वाला कह रहा है,
كسراب بقية يحسبه الظمآن ماء. یہاں تو آپ یہ منظر نہیں دیکھ سکتے, پاکستان میں جاؤ, افریقہ میں جاؤ, جہاں صحرا ہے اور اوپر سے دھوپ ہے اور پورا صحرا لگتا ہے پانی کا دریا چل رہا ہے, پیاسا بھاگتا ہے پانی. عقل مند کہتا ہے پانی نہیں, آپ انگلینڈ سے آئے ہو, آپ کو پتہ نہیں یہ پانی نہیں ہے, یہ دھوکا ہے. کہتا تو مجھے پانی نہیں پینے دے رہا, اصل میں تو مجھ سے حسد کرتا ہے پانی. میں کہا جاؤ بھائی. اور پھر وہ پیاسا مر کے اس کی لاش اٹھ کے واپس آتی ہے. تو کیا خوبصورت مثال دی ہے میرے رب نے, کسراب بقیع, یہ ریت میں پانی ہے, تم بھاگو گے, یہ پکڑو یہ پکڑو یہ پکڑو, کوئی تمہیں روکے گا, تم کہو گے یہ حسد کرتا ہے نا, میرا رزق اس کو ہضم نہیں ہو رہا, میری دولت اس کو ہضم نہیں ہو رہی, میری گاڑیاں اس کو ہضم نہیں ہو رہی. اسے کوئی بدہضمی کوئی نہیں ہے, وہ تمہیں بتا رہا ہے کہ یہ غلط راستہ ہے, حلال راستے سے ساری دنیا کما لو, اللہ کوئی منع نہیں کرتا. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹاپ 10 صحابہ میں ہیں. ٹاپ 10 کون سے ٹاپ 10 ہے؟ آپ نے کہا ابو بکر جنتی, عمر جنتی, عثمان جنتی, علی جنتی, طلحہ جنتی, زبیر جنتی, سعد بن ابی وقاص جنتی, عبد الرحمن بن عوف جنتی, ابو عبیدہ بن جراح جنتی, سعید بن زید جنتی. ان 10 آدمیوں کو آپ نے ایک مجلس میں جنت کی بشارت دی تھی, ان کو ٹاپ 10 کہا جاتا ہے, عشرہ مبشرہ. اس میں ایک عبد الرحمن ہیں. جب ان کا انتقال ہوا تو 3 ارب یعنی 3 بلین 3 ارب 20 کروڑ 3 ارب 10 کروڑ 20 لاکھ دینار چھوڑے. دینار کیا ہوتا ہے؟ سونے کا سکہ. آج کا مالدار کیا چھوڑتا ہے؟ کاغذ. کاغذ بھی کبھی کوئی دولت ہوتی ہے, وہ چاہے اس پہ پونڈ کا پرنٹ ہو, چاہے یورو کا پرنٹ ہو, چاہے بیچارے پاکستانی تھکے ہوئے روپے کا پرنٹ ہو, وہ ہے تو کاغذ. کاغذ بھی کوئی دولت ہے. آج کا انسان کتنا بے وقوف ہے کہ کاغذ کو مال سمجھے ہوئے 10 منزلہ بلڈنگ بنائی اور اتنے سے کاغذ کے تھدی پر بیچ دی, اور اب تو کاغذ میں نہیں رہ گئے, اب تو وہ کارڈ آ گئے, کارڈ, پلاسٹک کے کارڈ ہر کوئی لیے پھرتا. اور یہ مرنے والا 10 بڑے صحابہ میں ایک ہے, اور 3 ارب 10 کروڑ 20 لاکھ دینار چھوڑا ہے. ایک دینار 4.5 ماشے سونے کا ہوتا تھا, سونا, گولڈ. اور ایک ماشا پاکستان میں 5,000 روپے کا ہے پاکستان. 3 ارب 10 کروڑ دینار اس کو ضرب دو 4.5 سے, پھر اس کے ماشے بناؤ, پھر اس کو ضرب دو 5,000 سے, تو پورا انگلستان خرید سکتے تھے. اور 10,000 بکریاں اور 1,000 گھوڑے اور 1,000 اونٹ اور زمین ہر جگہ پر بے شمار. اور یہ جو چھوڑا ہے یہ دونوں ہاتھوں سے خرچ کیا, دونوں لاتوں سے خرچ کیا, پھر بھی اتنا بچا. سخاوت کے بادشاہ. اور سونے کی ٹائلز تھیں, ٹائلز جن کو اولاد میں تقسیم کرنے لگے وراثت میں, تو کاٹتے کاٹتے آریاں ٹوٹ گئیں, چاقو ٹوٹ گئے, چھریاں ٹوٹ گئیں, ان کو کاٹتے کاٹتے. حلال کمایا ہے, اللہ بھی خوش ہے, حرام کی ایک پینی بھی تباہ و برباد کر دی. اور حلال کا ڈھیر بتا رہا ہوں, اللہ راضی ہے, بلکہ اللہ کے نبی نے ٹائٹل دیا عبد الرحمن تاجر الرحمن. عبد الرحمن رحمان کا تاجر ہے, یہ اللہ کا تاجر ہے. اللہ کو راضی کر کے دنیا بناؤ تو تمہاری جنت کا ذریعہ ہے. سعد بن عبادہ فرمایا کرتے تھے, یا اللہ بڑے بڑے کام تو, بڑی بڑی نیکیاں تو پیسے سے ہوتی ہیں, کسی کو آزاد کرنا, کسی کا علاج کرانا, کسی کی شادی کرانا, کسی کو گھر بنا کے دینا, تو اللہ مجھے رزق دے تاکہ میں تجھے راضی کرنے میں خرچ کروں, مجھے رزق دے میں تجھے راضی کرنے میں خرچ کروں. لیکن یہ پیچھے 2 غلط ذہن بنے کہ پیسہ ہی سب کچھ ہے, اس نے دنیا کو آگ لگا دی ہے, آگ لگا دی ہے. ایک آدمی اپنی اچھی گاڑی بنانے کے لیے اور اپنا اچھا گھر بنانے کے لیے
हजारों बच्चों को नशे पे लगा देता है, उनकी जिंदगियां तबाह कर देता है, ये कभी सुखी रह सकता है? और अगर ये चार दिन मौज मेला कर भी लेगा तो क्या पीछे मौत नहीं, क्या आगे कब्र नहीं, क्या आगे हशर नहीं, क्या आगे अल्लाह के सामने खड़ा होना नहीं है? क्या ये दुनिया ऐसे ही चलेगी? नहीं नहीं नहीं, इस कायनात का एक खालिक है जिसका नाम अल्लाह है, मालिक है जिसका नाम अल्लाह है, इसका एक हुक्मरान है जिसका नाम अल्लाह है, एक हाकिम है जिसका नाम अल्लाह है, एक शहनशाह है जिसका नाम अल्लाह है, एक ज़बरदस्त ताकत है जिसका नाम अल्लाह है। मशरिक पर भी अल्लाह है और मगरिब पर भी अल्लाह है और शमाल जनूब पर भी अल्लाह है और आसमानों पर भी अल्लाह है और धरती पर भी अल्लाह है। अल्लाह की कसम, मेरा हाथ का यूं हरकत करने पर भी मेरे अल्लाह का कब्ज़ा है, मेरी ज़बान के बोल पर मेरे अल्लाह का कब्ज़ा है, मेरे यहाँ बैठने पर मेरे अल्लाह का कब्ज़ा है, तुम्हारे खिंच के आने पर अल्लाह का कब्ज़ा है, आसमान की छत मेरे अल्लाह के कब्ज़े में है, ज़मीन का फ़र्श मेरे अल्लाह के कब्ज़े में है, हवाओं के झोंके मेरे अल्लाह के कब्ज़े में है, सर्दी का मौसम मेरे अल्लाह का इरादा है, गर्मी की तपिश मेरे अल्लाह का इरादा है, बादलों से पानी का गिरना मेरे अल्लाह का इरादा है, बर्फ़ का गिरना मेरे अल्लाह की बादशाही है, और तूफानों का आना, बिजलियों का चमकना, बादलों की गरज, मौसमों का तब्दील होना, दरख्तों के फल, फलों के जायके, जायकों में खुशबू, फलों में मिठास, फलों के ऊपर कवर छिलके, उनके रंग, उनके जायके, और थनों के अंदर दूध, और हिरन के नाफे में मुश्क, और सांप के मुंह में जहर, और मक्खी के मुंह में शहद, ये सब मेरे अल्लाह का इरादा है। आज़ाद हैं, मौत से लड़ के दिखाओ, आज़ाद हो जवानी को रोक के दिखाओ, आज़ाद हो बीमारी को रोक के दिखाओ, आज़ाद हो गम को रोक के दिखाओ। क्यों लोग शराब में डूबते हैं कि अंदर की वीरानियां उनको नशों में ले जाती हैं, उन वीरानियों को शराब से दूर करते हैं। अरे अल्लाह को ढूंढो, अल्लाह को ढूंढो, अल्लाह को ढूंढो, मेरे अल्लाह का ऐलान है, नहीं नहीं पैसे से इत्मीनान नहीं मिलता। एक जन ये कि हम अपनी मर्जी पर चलेंगे तो हमें सुकून मिलेगा, अल्लाह की कसम जितना अपनी मर्जी पर चलोगे उतना तबाह होते जाओगे। मेरे अल्लाह का ऐलान अला 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 अला, साइरन बजता है तो हर आदमी के कान खड़े होते हैं कि क्या मसला हुआ, साइरन है, साइरन है। तो ये अरबी में अला एक साइरन है, जैसे साइरन की आवाज़ आती है तो एकदम भाई क्या हुआ, भाई क्या हुआ, भाई क्या हुआ, अला 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 साइरन बज रहा है, साइरन बज रहा है, सुनो 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 सुनो, क्या अजब बात, अला बर्मिंघम वालों सुनो, अला नौजवानों सुनो, अला सारी दुनिया में बसने वालों, चाहे अल्लाह को मानते हो चाहे नहीं मानते हो, सुनो क्या, बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, अल्लाह को याद करोगे तो दिलों में ठंडक आएगी, वरना ऐसे ही सुलगते रहोगे, सिसकते रहोगे, तड़पते रहोगे। अल्लाह को पाओगे तो सब कुछ पाओगे, अल्लाह को खो दिया तो सब कुछ खो दिया, अल्लाह मिला तो सब कुछ मिला, अल्लाह ना मिला तो कुछ ना मिला। जिंदगी के बनने और बिगड़ने का ताल्लुक बाहर से नहीं, अंदर से है, अंदर। दिल दरिया समंदरों डूघे, कौन दिला दिया जाने हो, विच्चे बेड़े विच्चे झेड़े, विच्चे वंज मुहाने हो। और हमारा रब कहता है वफी अनफुसकुम अफला तुबसिरून, अरे अंदर देख, अंदर देख, बाहर ना देख, अंदर देख, अंदर झांक, तो सब कुछ तेरे अंदर पड़ा है, बाहर नहीं है, अंदर है। इधर अल्लाह को बसा, फिर सूलियों पे चढ़ के मुस्कुराएगा, पेट पे पत्थर बांध के तुम हंसोगे, कांटों की सेज पर तुम्हें नींद आएगी, आग के अंगारों पर तुम फूलों के मज़े महसूस करोगे, सूखी रोटी में तुम्हें अल्लाह ताला पराठे के मज़े नसीब फरमाएगा। अल्लाह को तो पाओ, अल्लाह को तो पाओ। यही तो हुसैन ने करबला में करके दिखाया कि एक तरफ अल्लाह मिल रहा था तो उसके लिए सर कटना है तैयार, बच्चे ज़बह होंगे तैयार, ख़ानदान उजड़ जाएगा तैयार,
کہ اللہ مل رہا ہے, اللہ ملا تو سستا سودا. جب اسماعیل علیہ السلام سے کہا نا ابراہیم علیہ السلام نے کہ بیٹا تیرے ذبح ہونے کا حکم ہو چکا ہے, کیا کہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا جلدی کرو, یا ابا تفعل یا ابا تفعل, ابا جلدی کرو. تو ابراہیم سمجھے کہ شاید یہ پتہ نہیں چلا اسے, کہ بیٹا تمہیں خبر ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کہاں خبر ہے, بڑا اچھا سودا ہے, آپ کے بدلے میں اللہ مل جائے گا, اللہ آپ سے زیادہ بہتر ہے, دنیا کے بدلے میں جنت ملے گی, جنت دنیا سے بہتر ہے. پھر معصوم بچوں کو خیال, ہاں میری ماں کو ضرور تکلیف ہوگی, تو اپنا کرتا اتارا اور اپنے باپ کو دیا کہ یہ کرتا آپ نے میری اماں کو دینا ہے, جب مجھے کبھی یاد کرے گی تو میرا کرتا دیکھ لیا کرے گی, تسلی ہو جائے گی. اور آپ نے اپنے کرتے میں مجھے کفن دے کے ادھر ہی دفن کر دینا ہے, ادھر نہیں لے جانا وہ مکے کی طرف, کہ میری ماں کو وہاں تکلیف ہوگی میرا کٹا سر دیکھ کر, بغیر سر کے پورا دھڑ وہ اس کو تکلیف ہوگی. ایسے اطمینان سے, چونکہ اور ذبح ہونے والا بھی ایسی باتیں کرتا ہے, بابا میرے ہاتھ بھی باندھ دے میرے پاؤں بھی باندھ دے, کہ ممکن ہے جب تو چھری چلائے اور میرا ہاتھ پاؤں ہلے تو تجھے لگ کے تمہیں تکلیف نہ ہو جائے. پیسے میں چین ہوتا, زندگی میں چین ہوتا نہیں, اللہ کو پانے میں چین ہے, اور ادھر وہ بھی اللہ کو ڈھونڈ رہا ہے. ارے میرے بھائیو, 60 برس کی دعا کے بعد بیٹا ملا, 60 برس دعا مانگی, اولاد دے دے اولاد دے دے اولاد دے, 60 سال کے بعد اولاد ہوئی, 84 سال کی عمر میں, 80 سے 84 برس کی عمر میں کے درمیان بچہ ہوا ہے. جب وہ 5 سے 10 سال کا ہوا ہے اور ابراہیم 90 کراس کر گئے, 90 کا بیریئر کراس کر گئے, جب مرغی کو ذبح کرتے بھی ہاتھ کانپیں, 90 برس 92 سال کا بڈھا تو مرغی نہیں ذبح کر سکتا. تو اس کو کہا جا رہا بچہ ذبح کر. مینا کے پہاڑ سکتا تاری ہے, ہوائیں تھم چکی ہے, سورج مدہوش ہو رہا ہے, آسمان کے فرشتے ٹکٹکی باندھ رہے ہیں اور ان کے سانس اٹک رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے, کیا یہ بوڑھا کر جائے گا, کیا یہ اپنے بچے پر چھری چلا جائے گا. باندھ رہے ہیں ہاتھ اور پاؤں, اور پھر بچے نے کہا تھا مجھے الٹا لٹانا, سیدھا نہ لٹانا, کہیں تیری نظر پڑے میرے چہرے پر اور پھر تو رک جائے. نہیں نہیں نہیں, سیدھا الٹا. تلہو للجبین, اسماعیل کی وصیت کو قرآن نے بیان کیا, ماتھا ہے ان کے گھٹنے کو ان کی کمر پہ رکھا اور ایسے سر کے بال پکڑے, ایک ہاتھ میں چھری ایک ہاتھ میں سر کے بال, اور یوں آسمان کو دیکھا, اور یوں تھوڑا سا اوپر اٹھایا نا تاکہ نیچے سے چھری چلائے. وہ چھری چلا کے مطمئن ہے, وہ چھری چلوا کے مطمئن ہے, پتا چلا کہ میری سوچ غلط ہے, کسی اور طرف سکون ہے, جہاں میں ڈھونڈ رہا ہوں وہاں نہیں ہے, اپنی مرضی پوری کرنے میں نہیں ہے, اللہ کی مرضی پوری کرنے میں ہے. یوں پکڑا گھٹنا رکھا, یوں دیکھا, آسمان کو دیکھنا تھا کہ فرشتوں کی چیخیں نکل گئی, کہا اے اللہ ہائے ہائے ہائے, کاش وہ مینا کے پہاڑ ہوتے جہاں یہ قصہ ہوا, اب تو حاجیوں کی وجہ سے انہیں توڑنا پڑا. اے اللہ کیا تو مجھ سے ناراض ہو گیا ہے؟ تو یہ سمجھتا ہے کہ اسماعیل کی محبت میرے دل تجھ سے زیادہ ہوگی؟ نہیں نہیں, میرے اندر تو ہی تو ہے, تیرے سوا کوئی نہیں ہے, اور اگر کوئی میرا تو نے امتحان لینا ہے میں حاضر. ایک اسماعیل کیا لاکھوں قربان ہو سکتے, چھری چلا دی. اگر میرا رب صرف دیکھ ہی رہا تھا کہ خلیل کہاں تک جاتا ہے, یاری نبھتی ہے کہ درمیان میں ٹوٹتی ہے, ارے تم سے بچوں پہ چھریاں نہیں چلوا رہا, تم سے کہہ رہا غلط کام چھوڑ دو,
वो तुम्हारी हलाकत और बर्बादी का जरिया है, या मौत से टक्कर ले के दिखा दो, या कब्र के गड्ढे में जाने से इनकार कर दो, या मौत के बाद खड़े होने से इनकार कर दो, या मेरे रब की जहन्नम को पानी से बुझा दो, मेरे अल्लाह की जन्नत को आग लगा दो, और कह दो कोई अल्लाह नहीं, कोई हिसाब किताब नहीं, जाओ जो मर्जी करो। इधर सब कुछ मानते हो, इधर उसी से बगावत करते हो, ये क्या इस्लाम है, ये क्या जिंदगी है। हम यकीनी बना रहे हैं सेहतमंद पाकिस्तान और बदल रहे हैं जिंदगियां। बेहतरीन सेहत की सहूलियात की फराहमी से आप भी बीमारों के लिए मसीहा बन सकते हैं। अपने सदकात और अतियात MTJ फाउंडेशन तक पहुंचाएं।